आपके हाथ है, कृपा करके सदा आपने हमें गिरते हुए को संभाला है, सदा हमारे घर की हमारी लज्जा रखी है, ये कृपा सदा बनाए रखे। इसी प्रार्थना इसी विनय के साथ संकीर्तन को महाराज जी की आज्ञा से आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा वर्णन भगवान के स्वभाव का किया है, क्योंकि स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। जान लेंगे तो सीधा द्वार तक पहुंच जाएंगे, वरना बाहर वेट करनी पड़े। राजा महाराजा भगवान भोलानाथ इंतजार करते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी जमीन, बार बार वर मांगो। श्री भगवान भोलानाथ हाथ जोड़ के कहते, प्रभु आपका स्वभाव देना ही है तो हमारा स्वभाव मांगना है। बंधु कोई कहता है, पता नहीं भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते। एक बात याद रखिए, वो कितना कुछ दयालु है इसका अंदाजा आप लगा के देखिए। आप घर में ही अपनी बहू की अपनी सास की एक बात नहीं सुन सकती, वो हमें कितना सहन कर रहा है, इसमें डूबना है। पैसा जो देता है जता देता है, और लेने वाला भी उसे लाख दुआ देता है। हमारे घर में एक मांगने वाला आ गया, तो हमने सोचा दान देना बड़ी सुंदर बात है, कल्याण होता है, तो हमने उसे 100 रुपया दे दिया, यानी आपने दिया 100 रुपया दिया। वो 2-4 दिन के बाद फिर आ गया। पहले बार तो दान की महानता थी, आज कुछ कम हो गई, बोले परसों देते अभी फिर आ गए, चलो कोई बात नहीं, फिर दे दिया। 4 दिन छोड़ के वो फिर आ गया, बेटा उसको बोल दे घर नहीं है। और 4 दिन बाद वो फिर आ गया, क्या बड़ा बेशर्म है। मन में भाव आया, बड़ा बेशर्म है, गुस्से से सामने उसके चले गए। अब क्या बोले, यार हट्टा कट्टा तू है, तुझे शर्म नहीं आती मांगते हुए। तो भगवान ने कहा, अगर मैं ऐसा कह दूं तुझे क्या बीतेगी तेरे, वो तो 4 दिन बाद आता है, तू तो 1 घंटा नहीं बीतने देता, मेरा द्वार खटखटा देता है, मैं चाहे मंदिर में हूँ चाहे घर में हूँ, मुझे जीने नहीं देता। अगर मैं ये सोचूं कि तू हट्टा कट्टा है, तुझे शर्म नहीं आती, तो क्या हमारी दुर्दशा हो जाएगी, उस भिखारी से भी हम बदतर। बोले क्यों, बोले उसका स्वभाव ही नहीं, वो कभी इनकार ही नहीं करता। दरवाजा खटखटाइए रात को 12 बजे, चले जाइए इसके द्वार पे, सुबह 4 बजे हो, बोले 1-1 मिनट के बाद मांगिए, और इससे छोड़कर किसी और से मत मांगना, नहीं तो ऐसे ही भिखारी वाली दशा होगी। इससे मांगोगे तो कभी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, ये इतना उदार रहते हैं। तो आइए, जब भी कोई बात बिगड़ जाए, तो जो भी बात बनेगी भगवान के द्वार से बनने वाली है, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। बिगड़ा नसीब किसने 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 बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, बिगड़ा
नसीब से सवारा तेरे बगैर हम बेकसों का कौन सहारा तेरे बगैर बिगड़ा नसीब से सवारा तेरे बगैर सवारा तेरे बगैर गाना नहीं होता, गाने में क्यों
जाना ही ये सबसे श्रेष्ठ बात है। भगवान का भजन हो खाली सुना और गा दिया और घर चले गए, इसके एक एक शब्द में डूब जाए। आप रसगुल्ला लीजिए, खा सकते हो बिना चाशनी के डूबे बगैर। कोई भी मिठाई लीजिए, खाली उस जिसका मटेरियल है, जिससे बनती है, बनाने के बाद वो चाशनी ना लगे तो खाओगे क्या? जब तक भगवान के प्रेम में डूबा नहीं जाएगा, तब जितना मर्जी नाम ले लो, खाली परिश्रम है, श्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डूब जाए, हमसे तो वो अच्छे हैं। सुबह 6 बजे 9 बजे ठेका खुलता है, 6 बजे उसकी दुकान पे चले जाते। बोले तुम्हें मालूम नहीं 9 बजे लिख के? बोले मैं टूट रहा हूँ तेरे 9 को क्या करूँ, कोई टूटी बोतल है तो वही दे। और हम भक्त हैं, कैसे जी रहे हैं भगवान के बिना? एक 15 मिनट भी उसके लिए नहीं निकाल पाते। अगर वो टूट गए तो क्या दशा होगी हमारी? लेकिन वो रूठता ही नहीं। हम कहते कभी रूठ के तो देख, वो कहते मेरा स्वभाव ही नहीं। अब विचार करना है, सब जगह लिखा हमने पढ़ा, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता। सब तो कहा और मान भी लिया, है भी सत्य। अच्छा, इसका विचार करना है, अगर भाग्य से ज्यादा मिलना ही नहीं और वक्त से पहले नहीं मिलना, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अगर भाग्य ही सब कुछ है तो बाबा की शरण में आने की क्या दाम है? लेकिन क्यों आते हो, कभी विचार किया? कोई ना कोई बात अलग है जरूर जो हमें ले जाती है। अगर भाग्य में मिलना जो है वही हमारी औकात है और वही हमारी सौगात है, फिर आगे क्यों बढ़े? क्या रखा है भगवान के नाम में? बोले ऐसा नहीं, इससे आगे कुछ है। बोले क्या है? बोले जहां भाग्य की सीमा खत्म हो जाती, जहां जीव का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, जहां जीव का परिश्रम खत्म हो जाता है, जहां जीव की बुद्धि जवाब दे जाती है, वहां भगवान की कृपा शुरू होती है। बाबा देखिए, यद्यपि मेरे भाग्य में ये सब नहीं है, मेरे भाग्य में संतान नहीं है, मेरे भाग्य में धन नहीं, लेकिन दामन तो मैंने आपके आगे फैलाया है। बोले क्यों? बोले मैंने देखा है यहाँ से लोगों की दामन भरते हुए। तेरे दर से मुकर दर से भी ज्यादा, मुकर दर से भी ज्यादा। क्यों हाथ किसी और फैलाया तेरे बगैर? हम सवारा तेरे बगैर, सवारा तेरे है तो मेरा भी एक उत्तर दायित्व है। तुझे भूल जा
गवारा नहीं मुझे तुझे
देखो भैया हरी संग लगा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। जो भी हम हैं खाली भगवान से जुड़े हैं, इसीलिए हरि नाम बिना नर कैसा है, हरि नाम बिना नर कैसा है, बिन मंदिर दीपक जैसा है। किसी ने एक कोठी बनाई नई कोठी, मैं तो भैया कोई बात भगवान की कृपा बरसी सी, जब ध्रुव ने तप किया कितने बादल कितनी आंधी कितनी तूफान आए, हम तो एक बात नहीं बर्दाश्त कर पाते। और फिर गिरा भगवान से कहते प्रभु हम पे कृपा नहीं करते, होने वाली नहीं है, हमको कोई लालच नहीं देना, आपसे कुछ लेना नहीं। आप यकीन करके मानिए, ये जो हमारे आगे 100-100 रुपया रखा है, हमको कोई सरोकार नहीं, लक्ष्मी है, पूजा करते हैं, रखा इसलिए है कि कहीं अवमान ना आ जाए कि हम कुछ लेते नहीं, ये सब इन बच्चों को दे दिया जाएगा। हमारे गौशाला बनी है और गौशाला का दूध 3 हॉस्पिटल में बांटा जाता है, फिर भी हम सम्मान के तौर पे रख लेते हैं। कोई समझता है पता नहीं 100-100 रुपया इकट्ठा करने वाले हैं, हम तो उस मालिक के गुलाम हैं। ये आपने बड़ी कृपा की, ये 100 जो आपने दिया है सबको बड़ी अच्छी जगह पे लगने वाला है, देना उसी को चाहिए जो यथार्थ सत्य जगह पे जाए। यहां से हमें प्रसाद मिला और मैं निवेदन कर रहा था, किसी ने एक कोठी बनाई बड़ी सुंदर बनी, रात को मालिक सो गए, किसी ने आधी रात को एक दिया जला के कोठी की दहलीज में रख दिया। ध्यान देना, एक दिया कोठी की दहलीज में रख दिया किसी ने रात को जला के, कोठी के मालिक सो रहे हैं, सामने की कोठी से कोई देख रहा है, किसी ने दिया जला दिया, आवाज की बहना जरा जाग